Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास 9th, यूनिट नंबर बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक को करेंगे वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का एक तरीका होता है। एज द नेम विद द वर्ड बायनोमियल सजेस्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। जैसे कि नेम बता रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बताता है कि जो साइंटिफिक नेम है वो दो नेम्स पे कंसिस्ट करता है। एक स्पीशी का साइंटिफिक नेम दो नेम्स पे कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट इज जीनस नेम, पहला जीनस नेम होता है, एंड द सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्पीशी, जबकि दूसरा स्पीशी नेम होता है। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लोस लिनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लोस लिनियस ने सबसे पहले बायनोमियल नोमन सिस्टम स्टार्ट किया, और शुरू भी उसने ही सबसे पहले इसी तरीके से नाम देने शुरू किए। हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकेम पॉपुलर, उसका तरीका बहुत जल्द फैल गया और मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे, उसके दिए हुए बहुत से नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं। Some of the rules which are universally adopted while suggesting and documenting scientific names are, कुछ rules जो के पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं scientific names देने के लिए, वो क्या हैं? ये scientific names are usually printed in italics such as Homo sapiens, when handwritten they are underlined. हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के स्टार्ट में, हमने टैक्सोनॉमी के डिफरेंट टैक्सोन्स पढ़े थे, उसमें हमने देखे थे कि होमो सेपियंस जो कि ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है, जब किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और जब उसको हैंड रिटन लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। सेकेंड रूल, द फर्स्ट टर्म यानी जो कि जेनरिक नेम जीनस नेम होगा, ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जैसे होमो इज द जीनस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एच वो कैपिटल लिखा गया है। दिस इज द जेनरिक नेम, वाइल स्पीशी नेम इज नेवर कैपिटलाइज, जबकि सेपियन इज द स्पीशी नेम, इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, सारे लेटर स्मॉल लिखे गए हैं। थर्ड, द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज। साइंटिफिक नेम जब पहली बार इस्तेमाल किया जाता है तो कंप्लीट लिखा जाता है, जैसे कि हमने लिखा है होमो सेपियंस, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, लेकिन जब एक ही जीनस की बहुत ज्यादा स्पीशीज बार बार लिखी जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए, इट मे बी देन बी एब्रीविएटेड, तो उसकी एब्रीविएशन यूज की जाती है, और वो भी जस्ट जीनस की एब्रीविएशन यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है एस्टेरिचिया कोलाई, एस्टेरिचिया इज द जेनेरिक नेम, कोलाई इज द स्पीशी नेम। एस्टेरिचिया का ई हमने कैपिटल लिखा है और कोलाई का कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, लेकिन जब इसी बैक्टीरिया की यानी इसी जीनस से बिलोंग करने वाले डिफरेंट स्पीशीज को लिखा जाएगा, तब हम एस्चेरिचिया का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि हम जस्ट ई कोलाई लिखेंगे, जो कि हमारे पास एब्रीविएशन होगी एस्चेरिचिया की। Significances of binomial nomenclature. In biological research, common names causes many problems. Biological research के दौरान
कॉमन नेम्स बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ इलाकों में एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेम्स लिए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज ऑल्सो नोन एज गड्डा और बासल और पासल. मिसाल के तौर पर अगर हम अनियन की एग्जांपल लें तो उर्दू में इसको प्याज कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के ही डिफरेंट एरियाज में इसको गंडा, बासल और वासल भी कहा जाता है. इन अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक में इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, इसके दूसरे नाम भी हैं. इन साइंस इट इज़ नोन विद अ सिंगल नेम एज एलिम सीपा, जबकि साइंस में इसका सिर्फ एक ही नाम है विच इज़ एलिम सीपा. In some cases, different organisms are called by the same common name. कभी कभार ऐसा होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से पुकारा जाता है. For example, the name blackbird is used for crow as well as for raven. Blackbird कब्बे के लिए भी इस्तेमाल होता है, जबकि raven के लिए भी इस्तेमाल होता है. कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, ऑर्गेनिजम्स को जो नेम कॉमनली दिए जाते हैं उनकी कोई बेस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स. एक जैसे कि एक फिश है वो एक वर्टिब्रेट है जिसके फिन्स भी हैं, गिल्स भी है. बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश do not fit the biologist definition of a fish. कि कुछ दूसरे नेम जैसे सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश, ये सब साइंटिस्ट ने जो फिश की एक डेफिनेशन बनाई है कि फिश इज द वर्टिब्रेट विच हैज फिन्स एंड गिल्स, उसके अकॉर्डिंगली ये सब फिश नहीं है. टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स, अब इन सब कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं. द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स. इस सिस्टम की वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा फैल जाना, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और सबसे इसके नेम्स बेटरली यूज किए जा सकते हैं. इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशी कैन बी आइडेंटिफाई विद जस्ट टू वर्ड्स. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इस्तेमाल से हर स्पीशी को सिर्फ दो नामों के साथ, सिर्फ दो लफ्जों के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, विच आर जेनेरिक नेम एंड स्पीशी नेम. Same names can be used all over the world in all languages. यही नाम तमाम जबानों में, तमाम दुनिया में scientifically इस्तेमाल किए जाएंगे जिसमें translation की कोई difficulty रहेगी ही नहीं. For example, common name onion, scientific name alum sepa. Sea star, scientific name Asterias rubinus. House crow, साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडेंस.